नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अपने सभी संबोधन में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की महागठबंधन की सरकार की नाकामयाबियों को गिनाते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ बीते कल बालूमाथ में भी हुआ, जब बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा के दौरान बालूमाथ पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड की महागठबंधन की सरकार पर खूब निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस की गोद में खेलने वाले लोग अब कहते हैं कि हमने झारखंड अलग कर दिया, जबकि यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संभव हुआ। वहीं वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लूट, भ्रष्टाचार, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और राज्य की पुलिस वसूली में लगी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार का 4 साल पूरा होने को है, अब तक किसी बेरोजगार को ना तो नौकरी मिली और ना ही बेरोजगारी भत्ता। आज झारखंड के अस्पतालों में डॉक्टर नर्स की कमी है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। आज राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी सरकारी दफ्तरों में जाति, आय, आवासीय और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे लग रहे हैं। इस सरकार में विकास संभव नहीं है। वहीं बाबूलाल ने ईडी द्वारा जारी विशाल चौधरी की व्हाट्सएप चैट पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार में फाइल का मतलब 1 लाख होता है, वहीं एक फोल्डर का मतलब 1 करोड़ रुपए। फाइल व फोल्डर बॉस तक पहुंचाने का काम चल रहा है। सीएम सोरेन के बार बार ईडी ऑफिस नहीं जाने पर भी बाबूलाल ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के नोटिस पर कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट क्यों भाग रहे हैं। सभा में बाबूलाल ने न सिर्फ हेमंत सरकार की नाकामयाबियों को गिनवाया बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार की प्रशंसा करते नहीं थके। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के साथ ही मोदी जी ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए लगातार कार्य किया है। शौचालय, बैंक खाता, 4 करोड़ पक्का मकान, उज्ज्वला से लोगों को काफी लाभ मिला है। राजीव गांधी ने कहा था कि यहाँ से जो पैसा हम लोग देते हैं वह गांव तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मोदी सरकार ने सीधे लोगों के खाते में 2 मिनट में पैसे डालकर इतिहास रच दिया। बता दें, बाबूलाल मरांडी बीते 17 अगस्त से संकल्प यात्रा में हैं और इस संकल्प यात्रा का समापन आगामी 10 अक्टूबर यानी 1 सप्ताह के बाद राजधानी रांची में होगा। बाबूलाल मरांडी 10 अक्टूबर को रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त जनसभा को संबोधित कर संकल्प यात्रा का समापन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।